ग्वालियर की झांसी रोड थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और 4 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी को नहर वाली माता मंदिर के पास से पकड़ा, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। ये कल पुलिस टीम के द्वारा थाना क्षेत्र में नहर वाली माता रोड पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसको चेक किया तो उसके जो है कमर में 32 बोर की पिस्टल मिली। उसकी मैगजीन खोली तो उसमें 4 राउंड जिंदा मिले। करीबन 20-21 साल का ये युवक है। इसको पकड़ के इसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। कहाँ का रहने वाला है ये व्यक्ति? वैसे मूल रूप से तो आरोन तरफ का रहने वाला है। यहाँ गली नंबर 5 में किराए से रहता था। क्या कोई घटना को अंजाम देने वाला था? हाँ, ऐसा संभावना है कि यदि नहीं पकड़ा जाता तो कोई बड़ी घटना कर सकता था। आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह भी है इसकी? वो इसका दिखवा रहे हैं, सारे थानों में इसका मैसेज कर दिया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ली जा रही है। मैं झांसी रोड थाने में सब इंस्पेक्टर यादवेंद्र उपाध्याय, इनके द्वारा जो कार्रवाई की है, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सकवार और जो प्रधान आरक्षक सुरेंगेल है, इनकी टीम ने कार्रवाई की है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।